जानती हैं आप, मुझे हलीम भाई के घर का माहौल शुरू से बहुत पसंद है। उनसे मिलकर एक अपनायसी महसूस होती है। उन लोगों का आपस में प्यार, मोहब्बत, खलूस और छोटी छोटी नोक झोंक देखकर यह एहसास होता है कि घराने और रिश्तेदार और बहुत सी फैमिलीज इनको कैसे रहना चाहिए। वो क्या अभी भी वहीं रहते हैं उस खंडर हवेली में? कम से कम रेनोवेशन तो करा लेते। मुझे तो बड़ा डर लगे वहां जाने से, पता लगे गिर ही जाए सर पे। नहीं नहीं मामी, बहुत अच्छी हवेली है उनकी। आई मीन पुराने तर्ज की है, लेकिन इट्स वेरी वेल मेंटेन्ड। लगता है राजी बेटा तुम्हारे अभी टेस्ट है ना, वो बड़ा पुराने जमाने का है। वैसे अलीम भाई वाकई बहुत मिलनसार हैं और मेहमान नवाज भी, और खतीजा मामी भी बहुत अच्छी हैं। जी जी अम्मी, हमें बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया था उन्होंने। जाहिर है प्रोटोकॉल तो मिलेगा ना, तुम मामू के साथ जो गए थे। बाबा कल आपने हैदराबाद में रह के बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आपको पता है ना मैंने रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवाई हुई थी, आपके ना आने की वजह से मुझे कैंसिल करवानी पड़ी। I'm sorry बेटा, वो गाड़ी खराब हो गई थी तो मजबूरन वहां रुकना पड़ा। आपने वैसे रिजर्वेशन कैंसिल क्यों करवाई? फरवा और फूफो को साथ ले जाती। बाबा आप भी ना। वैसे मुझे तो लगता है कि आपका वहां रहना सिर्फ एक बहाना था। आपको तो बड़ा मजा आ रहा होगा ना कि आपकी इतनी खातिर तवाजा हो रही थी। और जाहिर है क्यों ना हो, आपके इतने एहसानात हैं उन पर, अगर वो आपके पाँव की धूल भी चाटे ना फिर भी कम। कौन से एहसानात की बात कर रही हो तुम? आप क्या क्या याद दिलाऊं आपको? बड़ी बेटी के लिए आपने स्कूल बनवाया, छोटी बेटी के लिए अब आप अस्पताल बनवा रहे हैं। बस कर दो शीला, ये काम मैं अलीम भाई के लिए नहीं कर रहा बल्कि अपने लिए कर रहा हूं। मेरे मरहूम बाप की ख्वाहिश थी कि स्कूल तामीर हो। अरे अलीम भाई का तो एहसान है कि उनकी बेटी आज तक वहां पढ़ा रही है। रही बात मस्जिद और इस हॉस्पिटल की, तो ये सब काम मैं अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए कर रहा हूं। और तुम? छोड़ो ना सफदर, क्या बातें लेकर बैठ गए हो? खाना ठंडा हो रहा है, खाना खाओ ना। खा लिया अम्मा। एक्सक्यूज मी। अरे मगर बात, एक छोटी सी बात पे नाराज हो जाता है। फिक्र ना करना शीना, अभी ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम कुछ लो ना, ये चपाती दूं। ये मेरा घर है, मेरी जो मर्जी होगी मैं खाऊंगी। आप लोगों ने अगर खाना खा लिया है ना तो मैं ड्राइवर से बोल के आप लोगों को घर छुड़ा दूं। खुदा हाफिज़। चले मैं। अरे मेरी बात तो सुनो। मगर हमी हम खाने के लिए आए थे ना, और खाना हम खा चुके हैं, और वैसे भी आपके सारे मेजबान चले गए। मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अब तुम्हें क्या हो? मैं आपका वेट कर रहा हूँ बाहर, प्लीज। क्या हो गया इस लड़के को? इसका भी दिमाग ना एकदम खराब हो जाता है।